घुसने ही नहीं दिया जाता, बोलते हैं सिर्फ एक या दो बंदे आओ। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये कहना चाहूंगी, जो डेपुटेशन इतनी मजबूरी में गाड़ियां किराए कर, मेटाडोर बसें किराए करके अगर डीसी मैडम से मिलना चाहता है, तो डीसी मैम का भी ये फर्ज बनता है सबसे पहले लोगों से मिले, फिर जो भी उनकी समस्या है उसको सुने और उस पे काम करें। लेकिन अगर पहले ही उनको दरवाजे से ही अंदर नहीं घुसने दिया जाता और ये बोला जाता है एक या दो इंसान अंदर जा सकते हैं, तो ये सबसे ज्यादा बुरी बात है, ये सबसे ज्यादा निंदा की बात है कि आज जनता के लिए अगर एडमिनिस्ट्रेशन के पास टाइम नहीं है, ये लोग कितनी मुश्किल में अपने छोटे छोटे बच्चे स्कूलों में भेज के आज इधर अगर आए हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन को इनकी सुध लेनी चाहिए। अगर एडमिनिस्ट्रेशन इन तक नहीं पहुंच रही, लेकिन ये लोग यहां आकर मिलने के बात करते हैं, तो इन लोगों को मिलने भी नहीं दिया जाता, तो जबरदस्ती इनको बाहर धकेला जाता है, कभी कोरोना का बहाना बनाया जाता है। लेकिन मैं कहना ये चाहूंगी, कोरोना है तो हर जगह होना चाहिए, ना ही कोई पब्लिक मीटिंग होनी चाहिए, ना ही कोई जलसा होना चाहिए, ना ही कोई इलेक्शन होनी चाहिए।
अगर कोरोना है तो सिर्फ डीसी ऑफिस तक सीमित नहीं है, अगर कोरोना है तो हर जगह है। इन लोगों की मांग एडमिनिस्ट्रेशन को सुननी चाहिए और अफसरान को इनको पर्सनली मिलना चाहिए, ना कि एक या दो इंसान को चुन के आगे भेजो और बाकी लोगों से मिलो तक नहीं। ये बहुत ही बड़ी अवहेलना है कानून की, ये बहुत ही बड़ी इंसल्ट है लोगों की हकों के साथ, उनके हकों का हनन है। आज एडमिनिस्ट्रेशन इनसे मिलने को भी राजी नहीं है, तो आप खुद देखिए कि ये लोग क्यों रो रहे हैं। आज लेट लेकर यहाँ पर कहते हैं कि हम जान देने को तैयार है लेकिन हमें पानी चाहिए, क्योंकि इनको पता है अगर पानी नहीं मिला तो वो वैसे भी मर जाएंगे। तो अब जरूर अगर वो लोगों के हक की बात कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और आज महिलाएं मजबूर होकर यहाँ धरने पे उतरी हैं, ये प्लान नहीं था धरना, मिलना चाहती थी डीसी मैम से, लेकिन यहाँ के अफसरों को, अफसरों ने ये गाइडलाइन दी है बाहर सिक्योरिटी गार्ड को ही कि आप सिर्फ एक या दो इंसान को अंदर भेज सकते हो, बाकी अंदर ही नहीं जा सकते। तो मजबूरन हम लोगों ने बाहर ही प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है। अब देखते हैं आगे डीसी मैम इस पे क्या कार्रवाई करती है। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखिए लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स ऑन ग्राउंड आती हैं। यहाँ बड़ी बड़ी सरकारें बड़े बड़े वादे करती हैं, वोटों के टाइम ये लोग खुद बोलते हैं कि सब लोग आते हैं अच्छे बनके, लेकिन उसके बाद कोई सुध नहीं लेता, उसके बाद कोई पहचानता भी नहीं। तो ये सिर्फ जो वोट बैंक की राजनीति हो रही है स्पेशली जम्मू कश्मीर में, ये बंद करनी पड़ेगी। आज लोग जाग चुके हैं, लोगों को पता है कि लोग कैसे प्रोटेस्ट